जय यीशु के मसीह यीशु में आप सब लोगों को संजना साइमन का प्यार भरा शालोम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्वप्रथम तो बताना चाहूँगी, मैं संजना साइमन नई दिल्ली रोहिणी की रहने वाली हूँ। मेरा मूल रूप से जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में और मैं एक ट्रांसजेंडर महिला अपने आप को महसूस करती हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो मैं अपने अपने जेंडर के साथ में सहज नहीं थी और मैंने सेक्स चेंज सर्जरी के माध्यम से अपने जेंडर को चेंज किया है और आज मैं एक ट्रांस वूमेन आइडेंटिफाई कर रही हूँ अपने आप को। मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत अंधेरे दिनों में जी रही थी। प्रभु यीशु ने मेरी लाइफ में बहुत महान काम किए जिसको मैं हमेशा हर जगह पर बोलती आई हूँ, लेकिन मैंने ये जो इंस्टाग्राम का चैनल बनाया है ये मैंने स्पेशली बनाया है अपनी उन अभिव्यक्तियों को यहाँ पे रखने के लिए, ताकि मैं बता सकूँ किस तरीके से यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया है। मैं अपने मसीह समाज के लोगों से और समस्त जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, ट्रांसजेंडर्स या ट्रांस वुमेन ट्रांस मैन जो है वो भी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई मनुष्य जाति में से है। हम लोग कोई आसमान से ओस के समान गिरे नहीं हैं, ना ही हम किसी पेड़ में से गिर गए हैं फल के समान। हम भी माता पिता की कोख से पैदा होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और हम भी आप लोग के समान ही हैं। आप लोग हमेशा कुछ ऐसे एग्जांपल्स देते हैं धार्मिक ग्रंथों से जिससे कि हमें लगता है कि हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब कभी कोई बोलता है कि आप समलैंगिक हो, कभी कोई बोलता है कि आपने लूत के समय की बात, कभी कोई सोदोम और गोमोरा की बातें बोलता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिल रहा है? कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए कुर्बान हुआ, अपना खून बहाया और उसके खून से हमें नजात मिलती है? कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जा अब पाप मत करना? क्यों लोग दोष लगा रहे हैं? क्यों एक बार फिर से फरीसी और यहूदियों के समान आप दोष लगा रहे हैं, आप पत्थर मार रहे हैं, आप ताने मार रहे हैं, आप हमें मृत्यु दंड की सजा दे रहे हैं, हमारे लिए कोई उद्धार या सेल्वेशन की उम्मीद हमें नहीं दिखा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल है मेरी कम्युनिटी से, मेरा मेरे मसीह समाज से और समाज के और लोगों से। हम ट्रांस हैं, हमें भी प्रभु की आवश्यकता है। प्रभु हमारे लिए भी मारा गया, हमारे लिए भी गाड़ा गया और हमारे लिए भी उसने पुनरुत्थान पाया। वचन कहता है न्याय पे दया जयवंत होगी। वचन कहता है प्रभु यीशु के ऊपर ईमान लाने से, उसका अंगीकार करने से हमें उद्धार मिलेगा। नई व्यवस्था तो यही कहती है ना, नए लहू का नया वाचा तो यही है ना कि उद्धार रख दिया गया है। और यीशु मसीह पापियों के लिए आया था ना, वो भटकी हुई भेड़ों के लिए आया था। तो अगर मैं भटकी हुई हूँ, मेरी कम्युनिटी की बहनें भटकी हुई हैं, अगर हम किसी तरीके से गलत हो रहे हैं तो आप लोग को हमें सपोर्ट करना है। आप लोग को हमें खींच के लेके आना है उस दलदल से। आपको हमें बताना है कि हमें बच्चे ये गलत नहीं करना है, हमें प्रभु की राह में आना है। पत्थर मारने वाले फरीसी और यहूदी ना बनिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के समान ये कहिए कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप मत करना। जब आप ये कह के बाहें पसार के हमारा स्वागत करेंगे, हमें प्यार करेंगे, तो हमारी कम्युनिटी भी इधर उधर भीख मांगती या गलत काम करती आपको नहीं दिखेगी। वो भी प्रभु यीशु मसीह के भवन में बैठी हुई प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए, उसकी होसन्ना और हमदोसना करते हुए घुटने टेक के उसका अंगीकार करती दिखेगी। हमें आपकी ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी को आपकी ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि अपने पुरुष पड़ोसी को और अपने महिला पड़ोसी को प्रेम करो। पड़ोसी ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, पड़ोसी गे भी हो सकता है, लेस्बियन भी हो सकता है, पड़ोसी एक कोड़ी भी हो सकता है, एक गरीब भी हो सकता है, एक अनाथ भी हो सकता है, एक कुपोषित व्यक्ति भी हो सकता है, एक समाज से बहिष्कृत व्यक्ति भी हो सकता है, एक प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, कोई भी आपका पड़ोसी हो सकता है। आपके ऊपर फ़र्ज है उसको मोहब्बत करना, और मोहब्बत का मतलब है ऐसी मोहब्बत जैसे कि बाप ने इस दुनिया से करी और अपना इकलौता बेटा दे दिया, और एक लौते बेटे ने इस दुनिया से करी जिसने सूली पे अपने प्राण दे दिए और हम सबके लिए उद्धार लेके आ गया। मोहब्बत कीजिए हमसे, क्योंकि हमें आपकी मोहब्बत की आवश्यकता है। आप सब लोगों को शालोम
संजना साइमन यूट्यूब चैनल से।